नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020 के बारे में। जहां दोस्तों मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020 के ऑनलाइन फॉर्म आज 29 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि स्टेप बाई स्टेप विदाउट मिस्टेक आप अपने घर बैठे मोबाइल या पीसी से इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। और उसी के साथ फ्रेंड्स बात करेंगे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और इस छात्रवृत्ति के तहत किसको और कितना लाभ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टूडियो को, देते हैं संपूर्ण जानकारी आपको। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस छात्रवृत्ति के तहत आपको कितना लाभ और कब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी भी 12th पास किया है वे सभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ जिन्होंने पहले से इसके लिए पंजीकृत करा रखा है, यानी पिछले वर्षों में इसके लिए छात्रवृत्ति उठा रखी है, वे भी छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दो कंडीशन से, इसके अलावा अगर आपने 12th मान लीजिए कि पहले किया है 2017 में और अभी आप किसी कोर्स के फाइनल ईयर में हैं और अभी आपको इस फॉर्म के बारे में पता चला है, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं वे यही कर सकते हैं जिन्होंने अभी अभी इस वर्ष 12th किया हो या फिर पहले से इस छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी RBSE अजमेर से 12th किया है और उनके यहाँ पर RBSE अजमेर से 12th में 60% बने हैं, ऐसे सभी छात्र एवं छात्राएं इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। कैटेगरी की कोई बाध्यता नहीं है, बस शर्ते उनके यहाँ पर परिवार की आय 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स उनका जो रैंक है वो ऑल राजस्थान में 1 लाख में आना चाहिए, यानी आपका 12th के रिजल्ट में आपका जो रैंक है 1 लाख तक आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, वे सभी छात्र एवं छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले यानी पिछले साल 12th किया था और 1 साल की छात्रवृत्ति का लाभ ले लिया, अब फिर से भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर पिछले और साल आवेदन किया था और लाभ ले लिया था वो यहाँ पर अभी और आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी छात्रवृत्ति के तहत आपको प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो भी सामान्य बालक या बालिका है उन सभी को। और ध्यान रखें कि ये छात्रवृत्ति आप अगर आप प्रत्येक वर्ष आगे से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो आपको यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। और उसके बाद जो भी दिव्यांग बालक या बालिका है इन सभी को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है और ये आपकी आगामी 5 वर्षों तक आपको दी जाती है यदि आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिन्होंने पहले से इसके लिए आवेदन कर रखा है वो तो इसका आवेदन करेंगे ही करेंगे, और साथ ही जिन्होंने अभी RBSE अजमेर 12th पास किया है और जिनकी रैंक 1 लाख तक है वो सभी छात्र एवं छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये तक होनी चाहिए। एक अंतिम डाउट और मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि कोई भाई या बहन जिन्होंने 2018 में 12th किया हो और मान लीजिए कि उस समय जब ये फॉर्म आया तब उन्होंने यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भरा और अभी वो मान लीजिए कि BA के सेकेंड ईयर को पास किए हैं और अभी अभी उन्हें पता चला है कि भाई ऐसी भी कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो क्या वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2018 में भी इसके लिए अप्लाई किया, 2019 में भी इसके लिए अप्लाई किया और 2020 में भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। ध्यान दें कि प्रत्येक वर्ष इसके लिए 1 लाख नवीन विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाता है जो पात्रता पूर्ण करते हैं, और उसी के साथ ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरंतर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी पात्रता के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने RBSE अजमेर से अपनी 12th कर रखी होनी चाहिए और उसमें आपकी 60% होनी चाहिए और बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक आपका स्थान होना चाहिए। उसके बाद आपके माता पिता या अभिभावक की आय 2,50,000 रुपये तक होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, यानी 12th के बाद आप कुछ भी कर रहे हो, बस ये शर्त है कि आप सरकार द्वारा पंजीकृत किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान से पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, तभी आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं।
उसके बाद आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और उसके बाद आपको अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो, उसके बाद आपके पास जो बैंक खाता है वो SBI बैंक का होना चाहिए और उसके बाद आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और यदि आप एक दिव्यांग है तो आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 अक्टूबर 2020 से यानी आज ही से कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 रखी गई है लेकिन इसको आगे 2-3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। देन फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन फॉर्म के प्रोसेस पर जाने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दूं जो यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट निम्न है। पहले तो आपका यहाँ पर जन आधार ID चाहिए यानी जन आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपके बैंक खाते की जानकारी और उसके बाद आपके शैक्षणिक संस्थान का नाम जहाँ पर आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम और उसके बाद फ्रेंड्स वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की दिनांक और उसके बाद आपके यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र की फीस की रसीद की संख्या, दिनांक तथा इसकी राशि का विवरण। फ्रेंड्स, इसका फॉर्म आप PC या मोबाइल दोनों से किसी से फिलअप कर सकते हैं। आपको सिंपली जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हैं उसको सिंपली ओपन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SSO और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे आप SSO टाइप करके इसको ब्राउज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा sso.rajasthan.gov.in। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप आ जाते हैं SSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, यदि आप इस फॉर्म को PC से भर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, यदि मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहां पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लीजिए जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने वही इंटरफेस फिर से आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप SSO पर पहले से रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अपनी यूजर ID लिखें, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखें, उसके बाद ये कैप्चर जो दे रखा है यहाँ पर फिलअप करें और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। यदि आप SSO पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स, यदि आपके पास जन आधार, भामाशाह, फेसबुक या गूगल, इन चारों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात पुनः आपको यहाँ पर इस पेज पर आना है। जो भी आपका यहाँ पर यूजर नेम होता है उसको आप यहाँ पर टाइप करें, पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करें, कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपकी SSO प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है क्लियर रिसेंट ऐप का और उसके बाद अदर एप्स का। सिंपली आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है अदर एप्स पर। जैसे ही आप यहां पर अदर एप्स पर क्लिक करते हैं आपके सामने कई सारी एप्स का यहां पर आइकन आ जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान देना है कि आपका जन आधार तथा आधार नंबर दोनों ही आपके SSO पर अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके इन्हें अपडेट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही आप इसके अंक यहां पर डालेंगे आपको यहां पर OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई होते ही आपका यहां पर जन आधार और आधार जो भी डिटेल अपडेट करनी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। बस आपको अपने मोबाइल से उसको वेरीफाई करना होगा। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है, इन ऐप्स के आइकन को देखते जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऐप आइकन देखने को मिलेगा, स्कॉलरशिप SJE। सिंपली आपको इस स्कॉलरशिप के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपका नाम यहां पर शो होगा, आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना फॉर्म स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है, उसके बाद आपको यहां पर आपका नाम दर्ज करना है। ध्यान रखें कि आप अपने नाम इत्यादि में गलती ना करें, यानी आपको यहां पर ये गलती भारी पड़ सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां से सेलेक्ट करना है, उसके लिए इस कैलेंडर के आइकन पर आपको क्लिक करना है। ईयर को सबसे पहले, उसके बाद मंथ को, उसके बाद डेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डेट पर क्लिक करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहां पर छप जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपके घर के प्रमुख का नाम यहां पर आपको फिलअप करना है। ध्यान दें कि जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली आपके माता का नाम यहां पर फिलअप हो सकता है, अगर नहीं होता है तो आपको अपने माता का ही नाम यहां पर फिलअप करना है। उसके बाद पुनः आप अपने मदर का नाम यहां पर फिलअप करेंगे और उसके बाद आप अपने फादर का नाम यहां पर फिलअप करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी कास्ट कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, ईबीसी, जनरल, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना रिलीजन यानी धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, जो भी आपका धर्म है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अपना इकोनॉमिक ग्रुप यहां से आपको सेलेक्ट करना है, बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, राज्य बीपीएल, जिस भी सूची में आपका यहां पर नाम आता है आप उसको यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो भी डिटेल ऊपर की ओर दी है यानी जो भी आप हैं एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, उसका कार्ड नंबर यहां पर आपको लिखना है। उसके बाद आप अपनी वैवाहिक स्थिति यदि मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो मैरिड, यहां पर आप उसकी स्थिति को लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड हैं और एक फीमेल है तो आप यहां पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर अपनी फैमिली की एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय लिखेंगे। ध्यान रखें कि इस छात्रवृत्ति के लिए आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप विधवा के बच्चे हैं तो आप इस पर यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। यदि आप अनाथ हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आप खुद विधवा हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और यदि आपने स्वयं तलाक दे दिया है तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है और फैक्स नंबर भी आपके यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना स्थायी पता यहाँ पर फिलअप करेंगे, यदि आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण को, अर्बन है तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे यानी शहरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी होम एड्रेस है आप उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी, ब्लॉक, पंचायत, जो भी आपका है उसको यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या कौन सा है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका गांव का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी तहसील को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। और आपके एरिया का पिन कोड क्या है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर ऊपर भरा गया पत्राचार पता और वर्तमान पता सेम है तो आप यहां पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके वापस फिल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र संबंधी जानकारी यहां पर देनी है, यानी आप अपने एमपी का निर्वाचन, जो भी एमपी हैं आपके उसको यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। और आपके एमएलए जो भी हैं उसका नाम आप यहां पर ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी बैंक डिटेल्स को देना है। बैंक डिटेल्स को देते समय आप ध्यान रखें कि आप जनधन खाता इसके अंतर्गत नहीं दें, अन्यथा आपके यहां पर स्कॉलरशिप रुक सकती है। आपका एक जमा खाता होना चाहिए, वो भी एसबीआई जैसे बैंक में होना चाहिए। आप यहां पर इसके लिए लिखेंगे कि भाई क्या आपका जनधन खाता है तो आप यहां पर कहेंगे नहीं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप अपनी बैंक का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपने अकाउंट नंबर को यहां पर देंगे और उसके बाद आप अपने आईएफएससी कोड को यहां पर देंगे। ध्यान रखें कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपके जो बैंक पासबुक है उसमें आपको मिल जाएगी। देन फ्रेंड्स आप अपनी ब्रांच का नाम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद बैंक का स्टेट कौन सा यानी बैंक किस राज्य में है आप उसको यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और यदि पैन नंबर है तो आप उसको लिखेंगे, अन्यथा आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मूल निवास जिस जिले का है राजस्थान में आप उस जिले को यहां से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका मूल निवास किस तहसील ने यहां पर जारी किया है आप उस तहसील को यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस जिले में रहते हैं उसको यहां पर सेलेक्ट करें, तहसील को यहां पर सेलेक्ट करें। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप क्लिक करके, इस ब्राउज फीचर पर आप क्लिक करके आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद यदि आप मैरिड हैं तो अपने विवाह का प्रमाण पत्र यहां पर अपलोड करेंगे, अन्यथा आप अगर मैरिड ऊपर नहीं करते हैं तो ये आपके ऑप्शन नहीं आएगा। इतना सब कुछ करने के बाद फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन पर राइट क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज आएगा, योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन।
यानी आपकी प्रोफाइल एकदम अच्छे से सबमिट हो चुकी है, अब आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपली फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको कई सारी तरह की छात्रवृत्तियों के नाम देखने को मिलेंगे, आपको इनमें से इस मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को सेलेक्ट करना है, यानी इसके आगे आपको यहाँ पर टिक करना है। ध्यान रखें कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, आपको यहाँ पर सर्वजन को नहीं टिक करना है, आपको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना पर टिक करना है। ये आपके स्कॉलरशिप का जो भी विवरण है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स देना है। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी अभी अभी आपने 12th पास किया है और आपकी 60% है, आपकी रैंक 1,00,000 में है, तो आप ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से इसके लिए छात्रवृत्ति ले रखी है तो आप ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर अपने महाविद्यालय की जानकारी देनी है कि आपका यहां पर शैक्षणिक सत्र कौन सा चल रहा है, उसके बाद आपके विश्वविद्यालय का राज्य कौन सा है, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट कौन सा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप किस वर्ष की यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद फ्रेंड्स आपने अंतिम यानी लास्ट ईयर कौन सी पढ़ाई की थी, आप अंतिम वर्ष उत्तीर्ण वर्ष यानी अंतिम परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की थी उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर रोल नंबर क्या था आप उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके संबंधित यूनिवर्सिटी को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप उसको यहां पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रवेश की तिथि यानी किस दिन आपने एडमिशन लिया था उस दिन को आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कौन सी की उस परीक्षा का नाम यहाँ पर आप देंगे। अब मान लीजिए कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट है तो भाई सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर 12th लिखेंगे, और अगर आपने पहले भी इसकी छात्रवृत्ति ले रखी है तो आपको पता होगा कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल्स देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके अंतिम वर्ष में कितने प्रतिशत बने आप उस प्रतिशत को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके अंतिम वर्ष की जो भी मार्कशीट है यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी PDF के रूप में, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर इस वर्ष आपने अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है तो आप इस छात्रवृत्ति को नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई अन्य छात्रवृत्ति ली है क्या, तो आप अगर यस पर क्लिक कर देते तो फ्रेंड्स आपको ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए कि अन्य छात्रवृत्ति आप नहीं लें, अन्यथा ये आपके गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अभी आप छात्र हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो करेंगे। मतलब साफ है कि जो 12th पास अभ्यर्थी हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो जो भी 12th पास कर रखा है वो यहाँ पर भी नो करेगा और यहाँ पर भी नो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आपका जो भी शुल्क लगा है उसके संबंधित विवरण को आपको यहाँ पर देना है। ध्यान रखना है कि ये सारा डिटेल्स जो भी है, आपके प्रवेश शुल्क कितना था, खेल शुल्क कितना था, पत्रिका शुल्क कितना था, आपकी रसीद की कुल संख्या कितनी है, आपकी संघ शुल्क कितना था, नामांकन शुल्क कितना था, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके कॉलेज द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपके कॉलेज के कार्यालय में जाकर संपर्क करना है, वहां से आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पर ये सारा का सारा विवरण लिखा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी कुल राशि को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपकी जो कुल राशि का अमाउंट है, अब मान लीजिए कि आपके 2-3 रसीदें, तो आप उनको एक PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे चूज फाइल पर क्लिक करके, और उसके बाद डिक्लेरेशन के बटन पर क्लिक करके आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करते ही फ्रेंड्स आपका ये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, और यहाँ पर आप इसके स्टेटस को चेक करते रहेंगे, क्योंकि पहले ये फॉर्म आपके यहाँ पर संबंधित महाविद्यालय में जाएगा जहाँ पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से ये वेरीफाई होके संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के पास जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आ जाएगी। फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें, अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं कि हो सकता है कि आप जब फॉर्म भरें और आपको यहां पर मैंने जो बताया कि भाई महाविद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है वो आपको नहीं मिले, तो आपको उसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके अंतर्गत महाविद्यालय को बताया गया है कि जिन्होंने भी अपना नाम यहां पर अपडेट नहीं किया है वो शीघ्र अतिशीघ्र अपडेट कर दें, तो हो सकता है कि आप
आपको आपके महाविद्यालय का नाम नहीं मिले तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आपको संबंधित अपने महाविद्यालय में जाकर पूछना है कि सर कब तक आप वहां पर अपडेट कर दोगे जिससे मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा। बाकी फ्रेंड्स, जीव ने गिरे कोई तरीका नहीं करनी है, कोई टेंशन हो गए, कोई सवाल पूछना हो इन छात्रवृत्ति संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम दिल खोलन लिख सको, आप भाई एक एक सवाल का जवाब आपने देवेला। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम मैंने आपको बता दिया 100 लाइक्स है, तो इसको प्लीज़ कंप्लीट करने में चैनल का सपोर्ट करना। बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह की काम की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। जय हिंद जय भारत।